So, हरे कृष्णा बच्चों सो so, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेन्योर एंड फर्टिलाइजर के बीच में कुछ डिफरेंसेज स्टार्ट so, करते हैं वीडियो को डिफरेंशिएट बिटवीन मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर यानी कि मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए या फिर दूसरे शब्दों में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट सम समिफरेंसेज बिटवीन मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर यानी कि मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर के बीच में कुछ डिफरेंसेज लिखिए ओके ओके तो so, सबसे पहले तो आपको कुछ इस प्रकार की एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिख देनी है जिसमें कि हमने लिखा है फर्टिलाइजर यानी कि मेन्योर एंड फर्टिलाइजर के बीच में निम्नलिखित कुछ हैं और अगर आप इस टाइप की एक बना लो तो और भी है. है. So, सबसे पहला मेन्यूर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑप्टेंट बाय द डिक्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सोल्ट यानी कि मेन्योर एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक सब्सटेंस यानी कि पदार्थ है जो कि कैटल डंग यानी कि मवेशी के एक्सक्रीटा जैसे कि हम गोबर कहते हैं तो उसके द्वारा एंड प्लांट रेसिड्यूज यानी कि जो प्लांट के जो अवशेष होते हैं जैसे कि जो लिप्स वगैरह हैं तो वो झड़ गए टहनियाँ वगैरह हैं जो पतली पतली सी जो छोटी मोटी वगैरह तो वो झड़ गई तो इनके डिकम्पोजिशन से मैन्योर को हम ऑप्टेन करते हैं यानी कि प्राप्त करते हैं मैन्योर इनसे बनता है इनके डिकम्पोजिशन से बनता है जबकि फर्टिलाइजर एक मैन मेड यानी कि वो नेचुरल नहीं होता वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है ओके ओके नेक्स्ट डिफरेंस है मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड्स फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज यानी कि मेन्यूर को हम फील्ड्स में यानि खेतों में भी बना सकते हैं यानी कि हम अपने आसपास ही बना सकते हैं जबकि फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है ओके ओके नेक्स्ट डिफरेंस है मेन्यूर प्रोवाइड अलॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉल फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दॉय अब ये ह्यूमस क्या होती है सो so ये जो कैटल डंग होता है एंड जो प्लांट के जो रेसिड्यूज वगैरह होते हैं तो जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक ब्लैक मैटर में या फिर में तो ये जो ब्लैक मैटर होता है या फिर कह लो सॉइल होती है तो इसी को हम ह्यूमस कहते हैं और ये प्लांट न्यूट्रियट में बहुत ज्यादा क्या होती है बहुत ज्यादा रिच होती है और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है तो मेन्योर सॉइल के लिए ह्यूमस प्रोवाइड करता है वो भी बहुत ज्यादा और जबकि फर्टिलाइजर सॉइल ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता ओके ओके नेक्स्ट डिफरेंस है मेन्यूर इज नॉट अ न्यूट्रिय स्पेसिफिक फर्टिलाइजर इज अ न्यूट्रिय स्पेसिफिक यानी कि कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिय का मेन्यू नहीं हो सकता जैसे कि मैं तो सपोज आपके पास कोई एक प्लांट है तो उसको जरूरत है किसकी जिंक की जरूरत है उसे सब न्यूट्रिय आसानी से मिल जा रहे हैं बस उसे जिंक न्यूट्रिय की कमी पड़ रही है उसे वही न्यूट्रियट चाहिए ठीक है ओके तो ऐसा नहीं है कि कोई आप मेन्योर लेके आए तो वो सिर्फ जिंक न्यूट्रियट का होगा वो सिर्फ प्लांट को जिंक ही प्रोवाइड करेगा ऐसा नहीं होगा जबकि फर्टिलाइजर के केस में ऐसा होता है कि फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं यानी कि अगर आप मार्केट जाओगे सिर्फ आपको जिंक न्यूट्रिएंट का भी फर्टिलाइजर मिल जाएगा और अगर आपको दो या तीन न्यूट्रिएंट का जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लें कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस तो इन तीन न्यूट्रिय का आपको फर्टिलाइजर चाहिए तो इनका भी मिल जाएगा यानी कि फर्टिलाइजर किसी भी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का होता है और जबकि मैन्योर किसी भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का नहीं होता ओके ओके नेक्स्ट डिफरेंस है मैन्योर इज अ इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर पोल्यूट्स एनवायरनमेंट यानी कि मेन्यूर इको फ्रेंडली होता है यानी कि वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है जबकि फर्टिलाइजर एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है यानी कि उसके लिए प्रदूषित करता है ओके ओके नेक्स्ट डिफरेंस है मेन्योर इंक्रीजेस फर्टिलिटी कंटिन्यूस एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर डिक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी यानि की मेन्योर सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है जबकि एंड यानी कि लगातार एंड ज्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर का यूज सॉयल फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देता है ओके ओके सो ये कुछ हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंसेस डिस्कस किए सो आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आए होंगे सो so हरे कृष्णा